तो वही यहाँ वो फरमा रहे हैं कि दयाल पुरख मेरे प्रभुदाते के देने वाले हे प्रभु आप हैं, आपकी दया दृष्टि होगी तभी हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण में पहुँचेंगे, फिर उनकी दया दृष्टि होगी तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और फरमा रहे हैं जिसे जान वो तिने तुम जाते, के जिसने आपको पहचाना है या जिस पर आपने दया करी उसी ने आपको पहचाना। कि अगर हम सोचें कि हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो नामुमकिन है, जब प्रभु की दया होती है तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। कि जानना कि ये उनकी दया है कि हम उनकी और कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम सोचें कि हमारे करके कुछ हो रहा है तो वो हमारी कमज़ोरी है। जब प्रभु हमारे अंदर प्रेम की डोर को खींचते हैं तभी हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। और ये उन्हीं की ग्रेस है, उन्हीं की दया है कि हम अपने कदम उनकी और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है जो हमें उनकी और खींच के लेके जाता है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि जिस पर आप दया मेर करोगे वही आपको जान पाएगा। कि ये समझना कि जब प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़ती है तभी हम प्रभु को जानने के लायक होते हैं। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सद्दा कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। वो कहते हैं हर सांस में मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके करके ही मुझे ये जीवन मिला है। अगर ये जीवन नहीं होगा तो किसी पूर्ण महापुरुष की संगत नहीं मिल सकती, उनकी संगत नहीं मिलेगी तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर प्रभु की दया ना होती तो 84 लाख जीवन जीवन में हम कहीं भी भटक रहे होते। तो यहाँ पर भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जिस पर प्रभु की दया कृपा होती है वही पिता परमेश्वर को पाने के लायक होता है। और आगे फरमा रहे हैं कि सदा सदा जय बलिहारी इत उत देखूं और तुम्हारी। फरमा रहे हैं कि मैं सदा सदा आपके ऊपर बलिहारी जाऊं, मैं आपके ऊपर सब कुछ निछावर करूं, क्योंकि आपके करके ही मैं हूं, आपके करके ही मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूं, आपके करके ही मैं आपसे मिल पाऊंगा। कि सदा सदा जाए बलिहारी इत उत देखूं और तुम्हारी। कह रहे मैं इधर देखूं उधर देखूं सब तो आपकी, जहां मुझे ओट मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, कि जहां मुझे आपकी शरण मिल जाए, मैं वही चाहता हूं कि मैं आपकी शरण में आऊं। और शरण में हम पिता परमेश्वर की तब आते हैं जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। इस समय तो हम सब दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से उठेंगे, जब ये शिव नेत्र खुलेगा, जब अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो फिर हम अपने सदगुरु की प्रोटेक्शन में आएंगे, पिता परमेश्वर की प्रोटेक्शन में आएंगे। जो कुछ भी हमारे लिए हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, यही महापुरुष हमें समझाते हैं। और जब महापुरुषों की प्रोटेक्शन हमें मिलती है तो फिर जो मन माया के पर्दे हैं ये खुलने शुरू हो जाते हैं, हम असलियत को देखना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब असलियत को देखेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की सही मायनों में है। हम बहुत से लोग अपने आप को सिर्फ इंसान के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, यही सोचते हैं कि हम इंसान हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि एक ईगल जो बाज है उसने अंडा दिया और बाज अंडा दे के उड़ गई,
और नीचे बहुत सी हेंस मुर्गियाँ थी, तो जो मुर्गियाँ की माँ थी उसने भी अंडे दिए हुए थे, तो उसको लगा ये एक बड़ा सा अंडा है कोई छोड़ गया, तो उसने क्या करा कि वो अंडा लेकर मुर्गियों के अंडे के साथ रख दिया। और जैसे छोटी छोटी मुर्गियों ऐसे ये जो ईगल का बच्चा था वो भी पैदा हो गया और उनके मुर्गियों के साथ रहना शुरू किया, वैसे ही उसने जब मुर्गियाँ करती थी वही करता था, सब कुछ करता था, ऐसे बड़े हो गए। तो एक दिन उसने आसमान में देखा कि बाज ईगल उड़ रहा था, तो वो जो ईगल का बच्चा था उसने बाकियों को कहा वो देखो कितना अच्छा बर्ड उड़ रहा है, तो कौन है? तो मुर्गियों ने कहा ये तो किंग ऑफ द बर्ड्स है, इसको तो सब बर्ड्स का राजा माना जाता है, सबसे ये ऊंचा उड़ सकता है। तो उसने कहा मैं भी उड़ के देखूँ। तो कहा तू मुर्गी का बच्चा है, तू कैसे उड़ सकती है? तो मुर्गी का बच्चा देखते नहीं, हम यहाँ नीचे ज़मीन पर रहते हैं, हम नहीं उठ सकते, वो कभी उड़ी नहीं। वही हालत हम लोगों की है, हम लोग प्रभु की संतान हैं, हमारी आत्मा प्रभु का अंश है, लेकिन हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं और उस ऊंचाई तक कभी जाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि जहाँ देखते हैं सब कहते हैं हाँ तुम भी इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं और असलियत को हम पाते नहीं। तो महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं कि हम अंतर्मुख हों, हम जाने के हम कौन हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे मैन नो दैसल्फ, के हे इंसान तू अपने आप को जान। और अपने आप को सही रूप में जानने के लिए हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। हमारे अंदर सब कुछ है और यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज आगे हमें और समझा रहे हैं कि मोह निर्गुण गुण किछ न जाता। वो कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण हूँ, मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं, हे प्रभु मुझ में कोई गुण नहीं है। कि देने वाला दाता है, सब कुछ उसकी रजा में हो रहा है। फरमा रहे हैं नानक साध देख मन राता। तो फरमा रहे हैं कि जब किसी साधु संत महापुरुष की हमें संगत मिलती है तभी हम सही रास्ते को पा सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें दुनिया की जानकारी देते हैं। जब स्कूल में जाते हैं स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ प्रोफेसर मिलते हैं, काम पर जाते हैं वहाँ पर जो हमसे पहले काम कर रहे हैं जिनको शायद काम के बारे में ज़्यादा मिलता है वो हमें समझाते हैं, लेकिन ये सब हमें दुनिया की चीज़ें बताते हैं। तो संत महापुरुष हमें प्रभु को पाने का रास्ता दिखाते हैं। तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया, वो फरमाते हैं कि दर दरबारी साथ हैं उनसे सब कुछ हो, कि जो प्रभु का दरबार है उसके दर दरबारी कौन है? वो संत महात्मा हैं। कि दर दरबारी साथ हैं उनसे सब कुछ होए, क्योंकि अगर प्रभु के पास जाना है तो पहले दर दरबारियों के थ्रू जाके वहाँ पहुँचोगे। और फरमा रहे हैं कि तुरंत मिलाएं नाम से उन्हें मिले जो कोई, कि जब हम संत महापुरुषों को मिलते हैं तो उनके ज़रिए हम नाम के साथ जुड़ सकते हैं। वो नाम वो शब्द जो कण कण में समय जो हमारे भीतर चल रहा है, और जब उसके साथ जुड़ते हैं हम तो हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। जब एक पूर्ण महापुरुष धरती पर आता है तो उसको कुछ मिशन दिया जाता है कि लोगों का उद्धार करना है और आत्माओं को वापस प्रभु से जोड़ना है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। वो फरमा रहे हैं कि मैं तो पिता परमेश्वर के साथ था, उनके साथ आनंद ले रहा था, लेकिन वक्त को ज़रूरत थी तो प्रभु ने मुझे भेज दिया यहाँ ज़मीन पर, ताकि
भटकी हुई रूहों को मैं वापस ले जाऊं। एक वाक्य है जो दर्शाता है कि कैसे ये संत महापुरुष काम करते हैं। दो फार्मर थे, किसान थे, बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों के की जो ज़मीन थी बिल्कुल साथ साथ जुड़ रही थी, एक की ज़मीन यहाँ थी तो एक की ज़मीन यहाँ थी। उनकी दोस्ती बड़ी लंबी थी, एक थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा उसे दो चार साल छोटा था। कुछ 40 साल के बाद कुछ उनमें किसी छोटी सी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जो छोटा था वो बड़ा गम खा गया, ज़्यादा दुखी हो गया ज़्यादा। तो उसने क्या करा कि जहाँ से पानी आता था वहाँ पर कुछ डैम करके पानी ऐसे करा कि सारा उसके लैंड पे आ गया, दूसरे के लैंड पे कुछ नहीं जाता था। तो अब जो दूसरा किसान था जो बड़ा था उसको भी लगा इसने तो बड़ी गड़बड़ करी है। अब उसने सोचा मैं क्या करूँ, मैं तो इसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो सोच रहा था कि मैं करूँ क्या, तो देखा कि एक ट्रैवलिंग कारपेंटर, एक कोई जैसे तरखान किस्म का इंसान वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसका दरवाज़ा खड़ा किया कि आपके पास कोई काम है करने के लिए। तो उसने कहा हाँ मेरे पास तो एक बहुत बड़ा काम है, तुम्हें देख रहे हो वो ये मेरी जगह है, देख रहे हो ये नहर से बीच में जा रही है और ये दूसरी किसी की जगह है। तो उसने क्या करा, ये पानी अपनी तरफ खींच लिया और मैं उसकी शक्ल नहीं देना, तुमने यहाँ दीवार खड़ी कर दो, 8 फुट की दीवार, पूरी जितनी भी जा रही है यहाँ पर पूरी दीवार बना दे। बना सकता है? उन्होंने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम ये दीवार को बनाओ, मैं काम कर करता हूँ, तू ये दीवार बना दे, मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगा और तेरे को जो कुछ चाहिए तू लेके बना दे। उसने पूछा आपका टूल शेड कहाँ है, जल्दी सबके यहाँ टूल शेड होते हैं जहाँ टूल्स वगैरह पड़े होते हैं। तो उन्होंने वहाँ से टूल लिए, बाजार से जाकर लकड़ वकड़ लेके आया और जो किसान था वो अपने कामों में लगा था। वो 5-7 दिन के बाद वापस आया। तो जब वापस आया तो उन्होंने कहा वो तेरा काम हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी काम मैंने कर दिया, अब आके देख लो। जब वो देखने गया तो उन्होंने कहा ओहो तूने ये क्या कर दिया, तूने देखा दीवार बनी नहीं हुई थी लेकिन नहर के ऊपर बड़ा एक खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ था। जो ब्रिज जो इसकी ज़मीन से उस नहर को पार करता हो वो दूसरे फार्मर की ज़मीन पे जा रहा था। तो पहले तो उसको बड़ा गुस्सा आया लेकिन जब वो नज़दीक से देखा, देखा ये तो काम तो बहुत बढ़िया करा है इसने देखने में, क्योंकि उसने बड़ा मेहनत से और बड़ी अच्छी तरह से ब्रिज बनाया था। और जैसे ही वो उसके ब्रिज के पास देखा, उसने देखा कि उसका दोस्त भी वहाँ से ब्रिज के ऊपर जा रहा था और जो छोटा था वो आके उसके पैर पड़ गया बड़े के। तो वो कहता है कि मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैंने तो इतनी खराबी करी, तुमको पानी रोक दिया और तूने पानी के ऊपर ब्रिज बना दिया है ताकि मैं तुझे मिल सकूं। तो जो महापुरुष आते हैं वो हमारी आत्मा का ब्रिज परमात्मा से बनाने के लिए आते हैं। उनका काम यही होता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, प्रभु भी हमारे अंदर है, आत्मा भी अंदर है, लेकिन ये जो नहर है बीच में ये मन की है, ये मन है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से अलग रखता है। तो एक ब्रिज बना देते हैं उसके ऊपर ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नानक साध देख मन राधा, कि एक संत महापुरुष है जो कि अपनी तवज्जो दे के हमें इतनी हिम्मत देगा कि हमारी आत्मा मन को शांत करके प्रभु में जाकर लीन हो पाएगी। जब भी संत महापुरुष धरती पर आए हैं उन्होंने बार 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 यही समझाया है कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ कोई कोई चुना गया, हमें से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। हम में एक कोशिश होनी चाहिए प्रभु को पाने की, एक लगन होनी चाहिए पिता परमेश्वर से प्रेम करने की। और जब हम प्रभु से पूरे तरीके से प्रेम करेंगे तो हम ज़रूर इसी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर को पा लेंगे। तो
तो आज के दिन मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में भी ये प्रार्थना है कि हम सब अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम सब प्रभु को पाने के रास्ते पर चलें, और हम सब जिस मकसद से धरती पर भेजे गए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को पूरा कर पाए। राखा